हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अंजू। आपका स्वागत है अंजूज किचन में। आज हम सूजी का ढोकला बनाएंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए सूजी का ढोकला बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 बाउल सूजी। इस बाउल के हिसाब से मैंने मेजरमेंट लिया है। 1 ग्लास पानी लिया है हमने। 3 चम्मच चीनी लेंगे। 2 चम्मच तेल लेंगे। तेल से सूजी चिपकेगी नहीं। 4-5 हरी मिर्च, इसको हमने इस तरह से काट लिया है। 6-7 कड़ी पत्ता। 1/2 बाउल दही लिया है हमने। 200 ग्राम दही यूज किया है मैंने। 1 चम्मच नींबू का रस। 1 पिंच बेकिंग सोडा। 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच सरसों, अदरक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है। आप किसी भी बर्तन में ढोकला बना सकते हैं। अब हम इस ट्रे को तेल से ग्रीस कर लेंगे। इसे पूरी तरह से ग्रीस कर ले अच्छे से। ट्रे हमारा तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तब तक हम अपना स्टीमर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने कुकर यूज किया है। मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी यूज किया है। आप कोई भी बर्तन हो या स्टैंड हो, इसमें रख के कुकर को हम गर्म होने तक ढक के रख देंगे। कुकर की सीटी और रिंग निकाल दें। तो चलिए बैटर बना लेते हैं। सूजी में 2 चम्मच तेल डालेंगे जिससे सूजी चिपकेगी नहीं, ढोकला अच्छे से फूलेगा हमारा। अब हम डालेंगे चॉप अदरक। अब हम डालेंगे दही। दही को हमें सूजी में अच्छे से मिक्स करना है। आप इसे चम्मच की सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सूजी को मिक्स करना है। सूजी को हमें ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ज़्यादा पतला करना है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बनाएंगे। का बैटर तैयार है हमारा। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। चलिए तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। पैन गरम हो चुका है। हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। सरसों डाल दें। सरसों फूटने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हमें डालना है 1 ग्लास पानी। अब हमें डालनी है चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स कर दें। चीनी डालने के बाद इसे हम 2 मिनट उबालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद हमें इसे 1 मिनट उबालना है। गैस का फ्लेम बंद कर दें। तड़के को हम ठंडा कर लेंगे। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तड़का तैयार है हमारा। चलिए बैटर को हम चेक कर लेते हैं। बैटर अच्छे से फूल चुका है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए पानी को एक साथ ही ना डालें जिससे बैटर पतला हो जाएगा। इसलिए हमें पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तरह से बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। अगले स्टेप को हमें थोड़ा फास्ट करना है। अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा। इसे हमें फटाफट मिक्स करके ट्रे में रखना है जिससे ढोकला अच्छे से फूल जाएगा।
बैटर अच्छे से फूल चुका है, अब हम इसे ट्रे में डाल देंगे। ट्रे को 3 से 4 बार टैप कर ले जिससे बैटर के बबल निकल जाए। अब हम ट्रे को कुकर में रख देंगे। आप देख सकते हैं पानी उबल चुका है। गैस का फ्लेम लो करके ट्रे को हमें इसे सावधानी से रखना है। कुकर की सीटी और रिंग निकाल के कुकर को हमें कम से कम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे ढोकला अच्छे से पक जाए। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, ढोकला चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं स्पंजी ढोकला तैयार है हमारा। अब हम इसे टूथपिक के सहायता से चेक कर लेंगे। इसे हमें ठंडा होने के लिए रखना है, ठंडा होने के बाद ही हम इसे निकालेंगे। ढोकला ठंडा हो चुका है, इसने अपने साइड के एजेस को छोड़ दिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक प्लेट की सहायता से इसे निकाल लें जिससे ढोकला, आप देख सकते हैं जालीदार ढोकला तैयार है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इस पे चाशनी डाल देंगे। ढोकला आप देख सकते हैं कितना स्पंजी और जालीदार बना है। आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।